हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीके जी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए पांच स्टॉक चुने हैं। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सेकंड है अजंता फार्मा लिमिटेड, थर्ड है गेल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लास्ट में है वोकार्ड लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये महिंद्रा महिंद्रा का वीकली चार्ट है। महिंद्रा ने मार्च 2020 में 246 के भाव से अपना अच्छा एक मूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा और 666 का हाई बना। वही वीक में थोड़ा फॉल आया लेकिन वापस स्टॉक ने रिकवर होके वापस ऊपर के ट्रेंड में ट्रेड करने लगा और धीरे धीरे स्टॉक फरवरी 2021 में 952 का एक नया हाई बना। यहाँ से आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड यहाँ से जो पॉजिटिव मोड में है आखिर तक पॉजिटिव मोड में है। स्टॉक भी यहाँ पे जो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा था यहाँ तक पूरा एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, थोड़ा नो इंटरेस्ट जोन में स्टॉक चला गया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, ADX और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है और ये तीनों इंडिकेटर में एक स्टॉक में एक मजबूत अप ट्रेंड डेवलप हो रही है ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये वीकली प्राइस कैंडल है, ये वीकली वॉल्यूम कैंडल है, ये पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट आप देख रहे हो। एवरेजेस के ऊपर पूरा एक ग्रीन कैंडल और ये पूरा मूव 2020 मार्च से लेके सितंबर का उसका ये ब्रेकआउट, तो ये सब देख के हमें लगता है कि स्टॉक एक अच्छी खासी मजबूत हैंड्स में जा रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 828 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1100, 1300 और 1500 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 770, 750, 700 और ए ट्रेड में 630 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ये है अगला स्टॉक अजंता फार्मा। अजंता फार्मा का ये डेली चार्ट है। अजंता फार्मा ने अप्रैल 2021 में 1690 से अपना अप मूव स्टार्ट किया। स्टॉक में आप देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूस 200 डीए में राइजिंग मोड में है। स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी एक वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गई। स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा और धीरे धीरे स्टॉक ने आगे बढ़ के मई 2021 में 2048 का हाई बनाया। उसके बाद में थोड़ा एक कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक चला गया, वापस एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग। स्टॉक ने 2195 थोड़ा करेक्शन और जुलाई 2021 में 2420 का हाई बनाया। स्टॉक ने यहां से जो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड किया, कंटिन्यूस सपोर्ट लिया एवरेजेस का और यहां तक ये ब्लू वाली एवरेज को कभी तोड़ा नहीं। उसके बाद स्टॉक आप देख सकते हो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया, एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा। ये पूरा राइस और एक माइनर करेक्शन स्टॉक में लेकिन कंटिन्यूस हायर बॉटम्स बनी। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने MACD, अरुण अप एंड डाउन और ADX का सहारा लिया है। MACD में अच्छा एक बाय सिग्नल आ गया है और अरुण अप एंड डाउन और ADX में एक अच्छी खासी पॉजिटिव ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई थी, पैटर्न का ब्रेकआउट है विद गुड वॉल्यूम्स, थोड़ा सा करेक्शन आया है और ये पूरा जो पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ये मूव यहाँ से राइज और एकदम माइनर करेक्शन वो देख के हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। तो अजंता फार्मा लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 2263 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2600, 2800 और 3000 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2220, 2160, 2100 और 2065 और ए ट्रेड में 1920 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ए है अगला स्टॉक गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया ने जून 2017 से 128 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। दिसंबर 2017 में 191 का हाई बना, थोड़ा सा करेक्शन, वापस स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, ए हाई को पार भी किया लेकिन ज्यादा वहां टिक नहीं पाया और वापस उसमें सेलिंग आ गई और स्टॉक धीरे धीरे एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा। यहाँ से जो सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में थी यहाँ से नेगेटिव मोड में आ गई। ये पूरा आप देख सकते हो कि स्टॉक में जो यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई स्टॉक में एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगा और पूरा ये लोअर टॉप्स और शार्प फॉल स्टॉक ने मार्च 2020 में 65.70 का लो बनाया। उसके बाद थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आई, स्टॉक ने जुलाई 20 में 108 का हाई बनाया और उसके बाद थोड़ा सा वापस एक सेलिंग आया लेकिन यहाँ से हायर बॉटम अक्टूबर 20 में 81 का। उसके बाद आप देख सकते हो पूरा ये वॉल्यूम और स्टॉक में अच्छी खासी एक अप ट्रेंड, बीच का 108 का
टॉप को पार करके स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर गया और जून 21 में 170 का हाई बना। पूरा आप यहाँ वॉल्यूम्स देख के आपको एज्यूम करना चाहिए कि कोई अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बन रहा है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, ADX और डिमांड इंडेक्स का सहारा लिया है और तीनों में एक स्टॉक में एक अच्छी खासी एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप होने जा रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, 2017 से लेके 21 का पूरा ये पैटर्न है और एक फॉल और वापस एक वी शेप जैसा राइज। तो ये जो पूरा इंडिकेटर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं और ये जो वॉल्यूम्स इंडिकेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में पूरा जोन को पार करके एक नए जोन में जाएगा। तो गेल इंडिया लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 163 है, वो हमें लगता है उसका आने वाले दिनों में टारगेट 250 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 159, 153, 148, 143 और 140, और ए ट्रेड में 125 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ए है अगला स्टॉक त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिमिटेड। त्रिवेणी ने फरवरी 2021 से 69 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। मार्च 21 में 98 का हाई बना, थोड़ा सा करेक्शन आया, 81 का हायर बॉटम बना। स्टॉक में अच्छी खासी एक पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गई और स्टॉक में मई 21 में 160 का हाई बना, थोड़ा सा माइनर करेक्शन, वापस एक अच्छी खासी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग और जून 21 में स्टॉक ने 203 का हाई बनाया। यहां से आप देख सकते हो पूरा 200 डीए में राइजिंग मोड में स्टॉक में यहां से जो एवरेजेस को पार किया, कभी स्टॉक ने ए एवरेजेस को यहां ब्लू एवरेजेस को कभी तोड़ा नहीं, जिसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक एक नो इंटरेस्ट जोन में चला गया, एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा और स्टॉक डायरेक्शन को ढूंढने लगा। स्टॉक में आप देख सकते हो कंटिन्यूस है 160, 63 और 65 का एक सपोर्ट मिल रहा था और स्टॉक एक नैरो मूवमेंट में ट्रेड करता रहा। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, अरुण अप एंड डाउन और ADX का सहारा लिया है। मैकडी में अच्छा खासा एक बाय सिग्नल आ गया है और अरुण अप एंड डाउन और ADX में इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्टॉक एक अच्छी खासी एक अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल्यूम्स की कैंडल है, ये प्राइस कैंडल पूरा एक एवरेजेस के ऊपर अभी क्लियरली ट्रेड करने लगे है। आगे के ये सब हाई को पार करके स्टॉक ने एक नवा हाई बनाया है और ये वॉल्यूम देख के लगता है कि वापस ये स्टॉक में एक नया बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। ये जो स्टॉक का जो 200 डीए में कंटिन्यूस जो राइजिंग मोड में है और स्टॉक का ये पूरा ये मूव यहां तक और एक माइनर करेक्शन बाद में वापस एक पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ जो मूवमेंट आई है वो देख के हमें लगता है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग जिसका करंट मार्केट प्राइस 192 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 310 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 186, 181, 178, 173 और 169, और ए ट्रेड में 159 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक वोकार्ड लिमिटेड। वोकार्ड ने मार्च 21 में 401 से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे अच्छी ट्रेंड में ऊपर गया विथ सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स और स्टॉक ने 548 का हाई बनाया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, यहाँ से सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में आ गई, स्टॉक एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा और स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में रहा और मई 2021 में 805 का हाई। उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी एक रेड कैंडल सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स में सेलिंग आ गई, स्टॉक ने 617 का लो बनाया, वापस थोड़ा सा बाइंग आया लेकिन प्रीवियस हाई को क्रॉस करने में असफल और स्टॉक में लोअर टॉप बने और स्टॉक वापस एक डाउन ट्रेंड में चला गया। अब आप यहाँ देख सकते हो कंटिन्यूस स्टॉक में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनते रहे और स्टॉक ने अगस्त 21 में 394 का लो बनाया। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, KST और वॉर्टेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स में एक अच्छी खासी स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रही है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं और KST और मैकडी में स्टॉक में एक बाय सिग्नल नजर आ रहा है। अभी भी स्टॉक ने पूरा ये पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा वॉल्यूम बना है, पूरा ये स्टॉक अभी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा है। यहाँ तक जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव मोड में थी वो यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि स्टॉक में वापस एक बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और स्टॉक ये पूरा जो उसका ए राइज और ए पूरा फॉल, ये जो पूरा जोन था उसको अभी जो ब्रेकआउट दिया है वो लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में आगे बढ़ेगा। तो वोकार्ड लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 451 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट
490, 550, 600 और 650 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो इसका बाय एरिया है 438, 429, 421 और 416, और ए ट्रेड में 390 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Ventura Securities Limited, SEBI registration number, INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company, such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.